अब गाड़ी भी तो लग रही है आपको सब, मतलब गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल। बहुत दिनों के बाद हम आपस में रूबरू हो रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मैं कहीं निकल रहा हूँ पटना से घूमने के लिए। अभी फ़िलहाल हूँ मैं इनकम टैक्स के आसपास और रिक्शे पे जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ पटना जंक्शन, वहाँ से मेरी ट्रेन है थोड़ी देर में। मेरी अगली जर्नी कहाँ की है ये मैं आपको पटना जंक्शन पहुँच के बताता हूँ, तब तक बने रहिए इस वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इस बार बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहा हूँ, तो आपको आगे बताता हूँ मैं। पहुँच चुका हूँ मैं पटना जंक्शन, बहुत देर है अभी यहाँ पे जा रहा हूँ अंदर अपने प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म नंबर चार से मेरी गाड़ी है, वहाँ चल के फिर। तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से हरिद्वार के लिए और हरिद्वार से मेरी यात्रा शुरू होगी ऋषिकेश। अगले 4-5 दिन में ऋषिकेश में ही रहूँगा और होली सेलिब्रेशन भी मेरा ऋषिकेश में होने वाला है। मिलते हैं आपसे ट्रेन आने के बाद, अपडेट देता हूँ आपको। अभी ट्रेन आने में 1 घंटा है और अभी मेरी गाड़ी लेट हो चुकी है एक्चुअली, अब तक उसको आ जानी चाहिए आई है। तो देखता हूँ कब आती है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं लखनऊ क्रॉस कर रहा हूँ। अभी रात में लगभग 10:30 में ट्रेन आई थी और मैं ट्रेन में बैठ के निकल चुका था, रात में ब्लॉक कर नहीं पाया, ट्रेन में थोड़ी भीड़ थी। तो अभी उठा हूँ और लखनऊ क्रॉस कर चुका हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये जर्नी मैं बिल्कुल अकेले कर रहा हूँ, सोलो ट्रैवलिंग है ये। और शाम तक मैं पहुँचूँगा ऋषिकेश, बाकी का प्लान वहाँ से, बाकी की जर्नी मतलब वहाँ से स्टार्ट होगी। तो फिलहाल तो बस ट्रेन में हूँ और रास्ते का, सफ़र का एंजॉय कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, अपडेट करता हूँ आपको फिर आगे। सो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं हरिद्वार, अभी जस्ट उतरा हूं। 4 बज रहे हैं यहां पे और ट्रेन हमारी अभी पहुंची है। अब यहां से मैं बाहर निकल रहा हूं, होटल हमारा बुक है ऋषिकेश के लिए, तो बाहर जाके कैब करके मैं ऋषिकेश के लिए निकलता हूं, फिर आपसे बाहर मिलता हूं। ये लगी रही मेरी ट्रेन पीछे। हरिद्वार के बाहर की भीड़, मतलब इतनी छोटी सी जगह और ट्रैफिक इतना ज़्यादा, बाप रे, ओ माई गॉड। ये रास्ता जाता है हर की पौड़ी की तरफ और मैं जा रहा हूँ ठीक इसके अपोजिट ऋषिकेश की तरफ। इस रूम में मैंने चेक इन करा है, बहुत ही छोटा सा और बेसिक सा रूम है। ये रहा बेड, ये रहा टीवी, ये रहा एक मिरर, बहुत ही बेसिक सा है। उधर बालकनी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये रहा वॉशरूम, और ये रहा मेरा बालकनी का व्यू।
आपको दिखाता हूँ। इस रूम में मुझे सबसे अच्छा यही लगा, छोटा सा ही है, यहाँ दो चेयर और एक छोटा सा स्टूल लगा हुआ है। ये दूसरे होटल है सामने, सामने इस साइड में छोटा सा पहाड़ भी है। लाइटिंग बहुत खूबसूरत है। ये दूसरा होटल है ठीक हमारे सामने। ये रोड है जो आगे जाके ऊपर मेन रोड में मिलती है ये, और ये सामने पहाड़ है। तो बस, तो कुल मिला के यही है, एक छोटा सा नॉर्मल सा रूम है। बढ़िया लगा मुझे, मैंने ऑनलाइन booking.com पे ही से बुक कर लिया था, एडवांस मैंने पे कर दिया था। यहाँ भी आके मैंने देखा रूम, मुझे सही लगा। सिंगल रहना है तो कोई प्रॉब्लम मुझे है नहीं, रूम सही है, वॉशरूम सही है, बालकनी है साथ में, और लोकेलिटी भी सही है। मुझे यहाँ से लक्ष्मण झूला या राम झूला जाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। तो आज के इस वीडियो को मेरे ख्याल से मुझे यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ, कल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, अब थक चुका हूँ। तो अब जा रहा हूँ फ्रेश होने, नहाने। तो इसके आगे की वीडियो, इसके आगे की डिटेल्स, अब कल आपसे मुलाकात होगी, कल आपसे बात होगी, तो मैं उसमें अपडेट करूँगा। बस कुल मिला के यही है कि अगले 5 दिन मैं ऋषिकेश में इंजॉय करने वाला हूँ, घूमने वाला हूँ, अगल बगल जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं ऋषिकेश 2 बार आ चुका हूँ, पर कभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बस आधा दिन और एक दिन के लिए आया हूँ और चला गया हूँ। तो अभी इस बार बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे राफ्टिंग करना है, बंजी जंपिंग करना है, और नियर बाई के जो भी वाटरफॉल्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मुझे एक्सप्लोर करनी है। और इस बार का थोड़ा एक्सपीरियंस अलग होने वाला है, चूँकि अकेले हूँ, सोलो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस ये मेरा पहला होगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। तो अब आप लोग से मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक साथ बने रहिए और इन्जॉय करिए इस ब्लॉग को, सपोर्ट करिए। धन्यवाद। परमार्थ निकेतन,